सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पाथफाइंडर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक और वीडियो आएगी मेरी जिसमें हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस सारा वाइंड अप कर लेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा और एक चैप्टर मेरा अधूरा हो रखा है अभी, क्वाड्रेटिक वाला है, उसमें मैंने कुछ ही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं तो उसको भी पहले मैं कंप्लीट करूँगा। आफ्टर दैट वील जम्प टू द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो शुरू के जितने भी चैप्टर्स हैं पाथफाइंडर के, इन सबको कवर करना है। और मैं अभी फिलहाल 12th के चैप्टर्स को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी सारे बच्चे वगैरह वहाँ देख ही नहीं रहे तो फ़ायदा नहीं हो रहा है कुछ भी, क्योंकि जो अभी बिगिनर्स हैं तो उनको स्टार्टिंग के चैप्टर्स, ताकि उनको जो है उनको भी समझ में आए चीज़ें, ठीक है। अगर आपको कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो मुझे आप नीचे कमेंट करके बताइए, सर इसके कंसेप्ट वगैरह मुझे हमें समझना है। तो मैं सारा टॉपिक वाइज स्टार्ट करूँगा, जैसे मैंने स्टैटिस्टिक्स में किया था कि मैंने टॉपिक समझाया पहले, उसके बाद मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए। तो स्टैटिस्टिक्स के 3 लेक्चर आप अटेंड कर लीजिएगा, उनसे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बिकॉज 8 to 12 क्वेश्चन आर आस्क्ड। जब कोई टीचर कुछ कहता है तो उसका कहना भी मानना चाहिए। अगर आपको NDA क्वालिफाई करने हैं तो गाइडलाइंस वगैरह फॉलो करेंगे तो आपको आपको ही बेनिफिट होगा, इसका जो है आपका ही सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो अभी हम विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन 74। तो 74 तो यहाँ पर मैं लेना भूल गया हूँ, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर लिख देते हैं 74 क्वेश्चन। इस साइड में मैंने 74 क्वेश्चन लिख दिया। यहाँ पे गिवन था कॉस एक्स, इफ़ कॉस एक्स की वैल्यू हमें गिवन थी 1/3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स इंटू था आपका टेन एक्स, इसकी वैल्यू हमने निकालनी थी। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो साइन एक्स आपको मालूम है, साइन एक्स को तो साइन एक्स ही रहने देते हैं, कॉट एक्स की जगह पे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स आ जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो आप खुद ही कर लेते हो वैसे। अपॉन 1 अपॉन साइन एक्स आ जाएगा और ये आ जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ओके। तो कॉस से कॉस कटा, साइन से साइन कटा, ये सब कट गया, ले देके आपके पास क्या बचा 1, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 74th वाले क्वेश्चन का, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 75 में। अब साइन स्क्वायर 20 डिग्री दे रखा है और साइन स्क्वायर 70 डिग्री दे रखा है, तो दोनों का सम 90 है, दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री पेयर यहाँ पे बना हुआ है। तो हम जो दूसरा वाला या पहले वाले को चेंज कर दो या दूसरे वाले को चेंज कर दो, या साइन स्क्वायर 20 को हम कॉस स्क्वायर 70 लिख सकते हैं, बात देखिए, या साइन स्क्वायर 70 को कॉस स्क्वायर 20 लिख दो तो फॉर्मूला बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली ओरली देखते ही क्वेश्चन बन रहा है ये, तो आपका ए विल बी करेक्ट आंसर। तो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, तो साइन 20 को हम लिख सकते हैं कॉस 70, क्योंकि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है, ठीक है। 10 का कॉट होता है और आपका कॉसेक का सेक हो गया, या सेक का कॉसेक हो गया, बात एक ही है, ओके। अगर यहाँ पे सेक 20 होता तो हम उसको कॉसेक 70 लिख देते हैं, होप दिस इज़ क्लियर। क्वेश्चन नंबर 76 में आइए आप, वट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर। हालांकि वैल्यू पुट अप करके बन जाएगा, लेकिन जब क्वेश्चन जब सिंपल बना हो तो इतना लंबा नहीं बनाना है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ फॉर्मूला आपका बना हुआ है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ब्रैकेट है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा आपका सेक स्क्वायर थीटा हो गया, ओके। तो यहाँ से आपका सीधे ही सॉल्व हो जाता है, फिर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कट कुट के क्या आ जाएगा 1, तो डी विल बी करेक्ट आंसर, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, कौन सी वैल्यू क्या आ रही है, पहले तो वैल्यू चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू चेकअप कीजिए आप, 10π/6 माने 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, 1/√3, 10 30 डिग्री इज़ 1/√3, ओके। इसके बाद आपका आया 10 3π/4, तो 3π/4 को हम लिख सकते हैं π-π/4, तो ऐसे लिख देंगे इसकी जगह पे, और उसके बाद 10π-θ, दैट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो 10 -10π/4 बन जाएगा आपका -10θ, तो -10θ मतलब -1 हो गया इसकी, 10π/4 माने 10 45 डिग्री, जिसकी वैल्यू -1 हो गई। इसके बाद हम इसको लिख देंगे 5π/4 को क्या लिख सकते हैं, हम π+π/4 ऐसे तोड़ सकते हैं, तो 10π+θ, तो थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव ही रहता है, तो 10π/4 बनेगा ही, जिसकी वैल्यू आ गई 1, ठीक है। पहले वाले का 1/√3, दूसरे वाले का -1, तीसरे वाले का 1 आ गया, चौथे वाले को चेक कर लीजिए, इसको लिख देते हैं π-π/3 लिख सकते हैं 2π/3 को, ठीक है, π-π/3, तो π-θ बन गया, जो कि आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव, तो ये बन जाएगा आपका -10π/3, -10 60 डिग्री, तो -√3, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो गया आपका, माइनस में जितना बड़ा नंबर होता है वो उतना छोटा माना जाता है,
तो पहले तो नेगेटिव वाले को देखिए, नेगेटिव वाले में दो हैं तो इन दोनों में से छोटा कौन होगा, माइनस रूट थ्री। उसके बाद इससे बड़ा ये हो गया आपका, सॉरी इससे बड़ा कौन हो जाएगा, माइनस वन, और माइनस वन से बड़ा कौन हो जाएगा, वन बाई रूट थ्री, फिर सबसे बड़ा हो जाएगा आपका वन। ओके, तो माइनस रूट थ्री किससे आया था आपका आंसर, फोर्थ वाले से, और माइनस वन किससे आया था आपका आंसर, सेकेंड वाले से, और वन बाई रूट थ्री किससे आया था आपका, फर्स्ट वाले से, और ये आपका आया था थर्ड वाले से। तो ये आपका बन गया सीक्वेंस, सबसे छोटा फोर्थ, फिर सेकेंड, फिर वन, फिर थर्ड। तो बी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट इज कॉस 20 डिग्री प्लस कॉस 100 डिग्री प्लस कॉस 140 डिग्री। तो यहाँ पेयरिंग कीजिए फर्स्ट और थर्ड का, तो यहाँ से आपका कॉस सी प्लस कॉस डी वाली आइडेंटिटी आप लगा देंगे। कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू। तो सी आपका 20 है, डी 140 है, इन दोनों को जोड़िए 160 आया, 160 अपॉन टू 80 आ गया। फिर कॉस ए सी माइनस डी अपॉन टू, तो सी माइनस डी 20 माइनस 140, माइनस 120, माइनस 120 अपॉन टू माइनस 60। अब मालूम है आपको कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा ही होता है, तो कॉस 60 लिख देते हैं, माइनस यहाँ से हटा देते हैं, बचा क्या आपके पास, प्लस कॉस 100। ओके, यहाँ से कॉस 60 की वैल्यू आपको मालूम है 1/2 होती है, तो ये 2 यहाँ जो पहले वाला 2 फॉर्मूले का था यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास, कॉस 80 डिग्री प्लस कॉस 100 डिग्री। अब इनको फिर से फॉर्मूला कर दीजिए, कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन टू, 80 प्लस 100, 180 अपॉन टू 90 इंटू कॉस, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, जो भी आता है लिमिट, क्योंकि आपको मालूम है कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो बाकी सॉल्व करना ही क्यों, आए को जो भी आएगा ये 0 से मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या बना देगा, 0। तो डी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका, साइन स्क्वायर 3π कॉस स्क्वायर 4π टेन स्क्वायर 5π। तो आपको ये याद होना चाहिए, साइन एन पाई, एन चाहे कुछ भी हो, अगर एन आपका कोई इंटीजर है, ठीक है, अगर एन यहाँ पे कोई इंटीजर है और इसकी जो वैल्यू होती है, अगर कोई भी इंटीजर हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इवन हो, चाहे ऑड हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो साइन एन पाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है, वैसे ही 10 के लिए भी जाता है, क्योंकि जब आपका यहाँ पे साइन अपॉन कॉस आपको मालूम है, साइन अपॉन कॉस से आपका 10 बनता है, तो ये 10 एन पाई की वैल्यू भी क्या बनेगी, 0। तो यहाँ से तो क्लियर हो गया कि जो पहला आपका साइन स्क्वायर 3π, तो साइन स्क्वायर 3π माने यहाँ पे 3 आपका एक इंटीजर है, 3π, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और यहाँ से जो लास्ट वाला है 10 स्क्वायर 5π, तो 10 5π की वैल्यू 0 है, तो 10 स्क्वायर 5π की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अब आपके पास हो जाएगा कॉस 4π। अब कॉस के लिए आपने दिमाग में रखना है, बीच में जो कॉस बचा हमारे पास। अब देखिए कॉस में होता क्या है, ये चीज़ें आप दिमाग में रखेंगे, कॉस में अगर आपके पास एन पाई वाली दो स्थिति होती है, अगर एन आपका क्या हो गया, इवन इंटीजर, ठीक है, अगर ये इवन इंटीजर हुआ तो इसकी जो वैल्यू होगी, कॉस एन पाई की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी 1, और अगर कॉस एन पाई की वैल्यू जो है, अगर एन आपका ऑड आ रहा है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी -1। तो ये दिमाग में रखिएगा आप। देखिए आप इवन का मतलब ऐसा नहीं कि आप 2, 4, 6 ही होंगे, 0 भी आपका इवन माना जाएगा, -2 को भी इवन मानेंगे आप, -4 को भी, माइनस में जो भी आपके इवन वाले जो नंबर्स होते हैं उनके आगे नेगेटिव लगा देंगे तो वो इवन इंटीजर का काम करेंगे, और 0 भी आपका आ गया, ठीक है। तो आपको मालूम है जैसे कॉस 0 कितना होता है आपका, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप काम करेंगे, तो आपको मालूम है यहाँ पर जो आपका कॉस 4π है, 4 यहाँ पर इवन है, इवन है, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी कॉस 4π की वैल्यू 1 होगी, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो बीच में हमने 1 लिख दिया, 0 + 1 + 1, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा, कहीं आगे चल के कभी भी आपका काम आ सकता है आने वाले फ्यूचर में, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो गया, तो कौन सा आंसर होगा, क्या बी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉट 224 डिग्री। तो 224 डिग्री को हम लिख क्या सकते हैं, 180 + 44, ठीक है, इसका ध्यान देंगे, 134 को लिख सकते हैं हम 90 + 44 डिग्री, और 226 को क्या लिखा जा सकता है, 270 - 44, सारे के सारे 44 में आप लिख रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका 316 को 360 - 44 डिग्री। ओके,
अब देखिए कॉट 224 हो गया आपका, कॉट 180 प्लस 44 दैट मींस थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव ही रहता है, ये बन जाएगा आपका कॉट कॉट 44 डिग्री। ओके माइनस अब आया कॉट 90 प्लस थीटा, तो कॉट 90 प्लस थीटा माने सेकेंड क्वाड्रेंट कॉट नेगेटिव होता है, तो माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, और कॉट का बन जाएगा 10, 1044 आ गया आपका ये। इन द सेम मैनर कॉट 226, ये आया आपका कॉट 226 को लिखा हमने कॉट 270 माइनस 44, दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव ही होता है, तो यहाँ कॉट का 10 बन जाएगा 1044 डिग्री। ओके इसके बाद आया आपका बीच में प्लस है, और यहाँ आया आपका कॉट 360 माइनस 44, तो कॉट 360 माइनस थीटा दैट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट, और आपका कॉट नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लिख देते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बीच में, और ये बन जाएगा आपका कॉट 44 डिग्री। ओके होप दिस इज़ क्लियर। अब तुमने करना क्या है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए, कॉट की जगह पर आ जाएगा कॉस अपॉन साइन, और टेन की जगह पे साइन अपॉन कॉस। आगे विजुअलाइज करेंगे तो चीज़ें क्या आ जाएंगी आपके पास यहाँ पे, अगर यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर, ऊपर में तो आ जाएगा साइन स्क्वायर 44 प्लस कॉस स्क्वायर 44 अपॉन साइन 44 इंटू कॉस 44, तो 1 अपॉन साइन 44 इंटू कॉस 44 ये आ जाएगा इस टाइप से। और नीचे वाले में क्या बनेगा इसका भी ध्यान रख लेंगे आप लोग, ठीक है। नीचे वाले में आपका क्या बनेगा, ये साइन अपॉन कॉस माइनस कॉस अपॉन साइन, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर 44 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 44 डिग्री अपॉन साइन 44 डिग्री इंटू कॉस 44 डिग्री, इस टाइप से आ जाएगा। ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 44 डिग्री, फिर फॉर्मूला बन गया है आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है आपका कॉस टू थीटा, बट यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये बन जाएगा आपका माइनस कॉस टू थीटा, तो टू थीटा क्या बन जाएगा 2 इंटू 44 88, तो ये बन गया आपका माइनस सेक 88। अब चेक कीजिए आंसर, तो सेक में तो कोई आंसर यहाँ पे गिवन नहीं ऑप्शंस, तो इसको हम कॉसेक में चेंज कर दो, फिर 88 के साथ क्या जोड़ के 90 बनता है 2 जोड़ के, तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस कॉसेक, क्योंकि सेक का जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉसेक होता है, कॉसेक 2 आ जाएगा, दैट मीन्स बी विल बी करेक्ट आंसर। होप दिस इज़ क्लियर। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए 81 वाला, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन ए, तो इसको एलसीएम ले लीजिए सीधे डायरेक्टली, ठीक है। वैल्यू पुट आप करके कह सकते हैं, लेकिन लेंथी हो जाएगा तो ज़्यादा बेटर है, तो इस तरह के क्वेश्चन तो सिंपली हो जाते हैं वैसे ही, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए दोनों में, तो यहाँ बनेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, बीच में आ जाएगा माइनस, फिर उसके बाद 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, तो आइडेंटिटी बन रही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी, तो जिसको हम लिख देंगे सीधे ए का स्क्वायर आपका बना, चलो लिख ही देता हूँ मैं यहाँ 1 प्लस साइन ए, वैसे इतना लिखने की जरूरत नहीं, विजुअलाइज करना सीखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो विजुअलाइज करेंगे तो आगे के बीच के स्टेप वैसे ही आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये लिखना पड़ रहा मजबूरी में समझाने के लिए। तो नीचे में क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ये एलसीएम आ गया। इसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी करूँगा तो 1 प्लस 1 2, साइन ए से साइन ए कट गया, ए प्लस बी में तो 2 आ गया। अब ए माइनस बी करूँगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी माने 1 प्लस साइन ए माइनस 1 माइनस साइन ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस साइन ए, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन ए, 1 से 1 कट जाएगा। और नीचे में क्या बचा आपके पास 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दैट इज कॉस स्क्वायर ए। ओके तो 2 2 जाए बन गया आपका 4, और साइन अपॉन कॉस हो गया 10, और 1 अपॉन कॉस हो गया सेक, तो 4 10 ए सेक ए, 4 10 ए सेक ए, तो ये आपका सी दिख रहा है 4 sec a tan a, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद लास्ट जो आपका इस पेज का है 82 क्वेश्चन, a प्लस बी प्लस सी पाई गिवन है, व्हाट इज cos a प्लस बी प्लस सी प्लस cos c, तो cos a प्लस बी की जगह पे लिख सकते हैं हम, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी पाई गिवन है, तो b प्लस सी क्या हो जाएगा 180, पाई माइनस a हो जाएगा, तो cos पाई माइनस a ये बन गया प्लस cos c, ये हो गया आपका, ठीक है। ए प्लस बी की जगह पे लिख दिया पाई माइनस सी, सॉरी पाई माइनस ए लिख दिया मैंने, पाई माइनस सी आएगा, पाई माइनस सी प्लस कॉस सी। ओके
तो कॉस पाई माइनस थीटा दैट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस कॉस सी हो गया ही, प्लस कॉस सी से कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स वट यू आर लेफ्ट विथ जीरो. ओके सो ए विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कम्प्लीट सॉल्यूशन ऑफ 3 tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1. तो ये तो सीधे फॉर्मूले से बन गया, टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/3 बन जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/√3, मीन्स 1/√3 का स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, ये 1/√3 का स्क्वायर मीन्स टेन कितना डिग्री, टेन 30 डिग्री, तो पाई बाई 6 का स्क्वायर हो गया, टेन स्क्वायर पाई बाई 6. तो ये फार्मूला हो गया आपका सीधे सीधे, पाथफाइंडर में ये गिवन है, टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फ़ा होगा, तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, ये हो गया डायरेक्टली. तो एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा की जगह पे क्या आ जाएगा आपका, पाई बाई 6. ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया डायरेक्टली. देखते ही इसको इस तरह के फार्मूले आपको याद होने चाहिए. तो टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फ़ा होने पे हम लिख देंगे एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा यहाँ पे आ गया आपका पाई बाई 6, तो कौन सा हो जाएगा, एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, दैट मीन्स सी विल बी करेक्ट आंसर. ओके, इसके बाद आया आपका व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस 36 डिग्री. तो याद ही होना चाहिए आपको, ही कॉस 36 डिग्री की वैल्यू होती है √5 प्लस 1/4. ओके, तो ये आपको याद होना चाहिए, 84 का आपका हो जाएगा बी. ये वैल्यूज़ वगैरह मैंने पहले भी कहा था, साइन 18 की वैल्यू हमने की थी √5 माइनस 1/4. तो ये सारी जो एंगल्स होते हैं इस तरह के, इनके वैल्यूज़ वगैरह आपको याद होनी चाहिए. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 85. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, साइन ऑफ मॉडुलस एक्स प्लस कॉस ऑफ मॉडुलस एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो जाहिर सी बात है, देखिए भाई ये गलत है स्टेटमेंट. क्यों गलत है, सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे ऑल साइन टेन कॉस आपको मालूम है. ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव है, ठीक है, साइन मोड एक्स और कॉस मोड एक्स पॉजिटिव ही आएगा, जाहिर सी बात है. सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है, और मोड एक्स तो वैसे ही पॉजिटिव क्वांटिटी है, और यहाँ पे जो मोड एक्स है ये पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव आएगा नहीं, तो यहाँ नेगेटिव नहीं आएगा. दैट मीन्स अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्वांटिटी ले रहे हैं, तो या तो आप यहाँ पे क्या होगा आपका, साइन पॉजिटिव होगा कॉस नेगेटिव होगा. ठीक है, तो यहाँ से चांस बनते हैं, यहाँ उतना प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे, चलो कोई बात नहीं, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉस आपका क्या हो रहा है, पॉजिटिव और साइन नेगेटिव. बट थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप आओ, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम आएँ, तो ये सीधे सीधे आपका आंसर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो साइन होता है वो भी नेगेटिव होता है, और कॉस जो होता है वो भी नेगेटिव होता है. अब दोनों नेगेटिव है, अगर साइन एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव आ रही है और कॉस एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव आ रही है, मीन्स कॉस साइन मोड एक्स की वैल्यू आपकी नेगेटिव आई और कॉस मोड एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव आई, तो दोनों नेगेटिव को मिला के ओवरऑल क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन तो माइनस का ही आएगा, जो कि पॉजिटिव नहीं आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है. दैट मीन्स ये ऑलवेज पॉजिटिव कह रहा है, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. तो वैसे ही आपका ये वाला भी आ गया, सेकेंड स्टेटमेंट, साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो एक्स स्क्वायर का मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी, नेगेटिव तो है नहीं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है. तो अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आऊँगा, तो यहाँ पे अगर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, थर्ड क्वाड्रेंट में सपोज एक्स स्क्वायर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और ये दोनों तो सेम ही एक्स स्क्वायर ही हैं, तो दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स साइन अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो साइन भी नेगेटिव आएगा और कॉस भी नेगेटिव आएगा, दैट मीन्स ओवरऑल नेगेटिव आएगा. ठीक है, तो ऑलवेज वाली कंडीशन यहाँ पर ट्रू नहीं होती है, दैट मीन्स दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. सो नीदर वन नॉट टू वाली बात हो जाएगी, सो डी विल बी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, वैल्यू ऑफ साइन थीटा ऑक्सिलेट्स बिटवीन -1 एंड 1. तो साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से किसके बीच में ऑक्सिलेट करती है, -1 से 1 के बीच में, ये तो आपका क्लियर ही होगी. सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी होती है साइन की -1, और हाईएस्ट वैल्यू होती +1. तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया. और कॉस थीटा ऑक्सिलेट्स बिटवीन 0 एंड 1, तो कॉस थीटा की भी हमने कही थी बात, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, तो सिंपल सा है, वैसे आपको याद ही होगा, सबसे लोवेस्ट वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू इसकी होती है -1. तो यहाँ 0 दे रखा है, दैट मीन्स स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, तो ए विल बी करेक्ट आंसर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एन टाइम्स साइन स्क्वायर 67.5 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2.
ठीक है, एन की वैल्यू अगर टू के बराबर है या टू से बड़ी है, और उसके बाद जब इसके साथ मल्टीप्लाई के जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 67.5 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन वन आएगी। तो इसको आप चेक कर लीजिए एक बार। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ साइन 67.5 डिग्री और 22.5 डिग्री आपके उससे कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है। दैट मीन्स साइन स्क्वायर 67.5 डिग्री की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर 22.5 डिग्री लिख सकते हैं। ओके, माइनस साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री तो पहले से था, इसके बाद इसके बाहर में आपका एन है, एन टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा, 2 × 22.5, 22.5 का मतलब ये हो गया, तो ये बन गया कॉस 45 डिग्री। एंड कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आप देख लीजिए, कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है, दैट मीन्स √2/2 हो जाएगा, रेशनलाइज करूँगा तो डिनोमीटर को, तो ये आपका एन इंटू ये आ गया आपका 1.414 अप्रॉक्स वैल्यू ले ली हमने √2 की, तो 0.7 समथिंग जा रहा है, तो एन इंटू 0.7 आ गया। सपोज़ कीजिए मैं एन की जगह पे आप 2 लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि एन जब 2 होगा या 2 से बड़ा होगा तो ये जो आंसर आएगा ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, सॉरी हमेशा 1 से बड़ा आएगा, यहाँ पे लिखा ग्रेटर देन 1, तो एन की जगह पे 2 लिखा मैंने, तो 2 × 0.7 क्या आ रहा है देखिए आप, 1.4 आ रहा है। अगर एन की जगह पे 3 लेता हूँ तो इससे और बड़ा आएगा, दैट मीन्स 1 से बड़ा आ ही रहा है, 2.1। अगर मैं एन को बढ़ाते रहूँगा, 2 से बड़ा लेते रहूँगा और, तो ये हमेशा 1 से बड़ा आएगा, तो दैट मीन्स पहला स्टेटमेंट तो साफ साफ करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेटमेंट कह रहा है एक्स इज़ एनी पॉजिटिव रियल नंबर देन एन एक्स इज़ ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो एक्स एक क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो इसको एक एक्स की जगह पर अगर मैं सपोज़ कीजिए 0.0001 लेता हूँ, और एन की जगह पे फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2, या तो 2 तो लेना ही है मुझे यहाँ पे, या 2 से बड़ा लूँगा, तो 2 लिया, सबसे मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 2 है, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो दैट मीन्स 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। चलो अब 2 से मैंने इस एक्स को मल्टीप्लाई किया, इस रियल नंबर को मल्टीप्लाई किया, पॉजिटिव रियल नंबर को, अब जो मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका, 0.0002 आ रहा है। क्या ये आपका ग्रेटर देन 1 आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ स्टेटमेंट कि देन एन एक्स इज़ ग्रेटर देन 1, तो ये तो ग्रेटर देन 1 आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये हमेशा ट्रू तो होगा नहीं, सभी के लिए ट्रू नहीं होगा, तो सारे एक्स जो अगर कोई पॉजिटिव रियल नंबर्स लूँगा तो कई पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए तो ट्रू होगा, बट बहुत सारों के लिए ट्रू नहीं हो रहा है, लेकिन सारों के लिए ट्रू होना चाहिए, जब एन की वैल्यू हम 2 या 2 से बड़ी रखते हैं तो सबके लिए ट्रू होना चाहिए, तो दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, तो दैट मीन्स ओनली 1 इज़ करेक्ट, सो ओनली 1 वाला ए विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ अगला देखिए आप, इसका जो 88 वाला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट साइन थीटा इज एक्यूट एंगल सच दैट साइन 3 थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो ये आपको मालूम ही है जब आप कॉस साइन 18 डिग्री वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, साइन 18 डिग्री की जब वैल्यू निकालते हैं तो तभी हम ये सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं। ठीक है, साइन 3 थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा वाला जो चीज़ होती है वहीं पर आती है, दैट मीन्स साइन 3 × 18 डिग्री इक्वल टू कॉस 2 × 18 डिग्री, तो साइन 36 डिग्री इक्वल टू कॉस सॉरी 18 × 3 = 54 हो गया आपका ही, साइन 54 डिग्री इक्वल टू कॉस 36 डिग्री, ये दोनों आपके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना रहे हैं। ओके, तो वैसे आपको याद होना चाहिए जब बेसिक डेरिवेशन जो होता है आपका साइन 18 की जब हम वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे 18 जब होगा तभी ये चीज़ सेटिस्फाई होगी, साइन 3 थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा तभी ये इक्वल बन पाएंगी, तो हमें मेमोरी बेस्ड हमें ज़्यादा यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम मेमोरी बेस्ड इसको सीधे कह देंगे कि हाँ देन द मेजरमेंट ऑफ थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू π/10, π/10 का मतलब क्या हो गया 18 डिग्री, तो क्लियर हो गया, ये तो हमें पढ़ी रखा है क्लास 11th में जब हमने ये सारी चीज़ें करते हैं, साइन 18 की वैल्यू निकालना सीखते हैं, तो ये आपको आना चाहिए। ओके, तो ये वैसे ही याद होना चाहिए आपको, ना कि यहाँ पे इसको सॉल्व करें, उसके बाद ये स्टेटमेंट तो करेक्ट ही है। फिर अगला, 1 रेडियन इज़ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ एन आर्क ऑफ द सेम सर्कल हुज लेंथ इज इक्वल टू द डायमीटर, इक्वल टू द डायमीटर नहीं होता, इक्वल टू द रेडियस होता है यहाँ पे। ठीक है, अगर कोई यूनिट सर्कल है उसका अगर रेडियस 1 है, ठीक है, अगर एक यूनिट लेंथ का आर्क 1 के बराबर, जो 1 रेडियस है, रेडियस के बराबर अगर जो एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे उसी को 1 रेडियन कहा जाता है।
मीन्स अगर कोई भी सर्कल बनाओ उसका रेडियस जितना भी है उसके रेडियस के बराबर आर्क लूँ और उस आर्क से जो एंगल सबटेंड हो गया सेंटर पे सर्कल का, तो उसको ही बोलते हैं हम 1 रेडियन। तो यहाँ पर डायमीटर वाली बात गलत हो रही है, यहाँ पर रेडियस होना चाहिए था। दैट मीन्स स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, दैट मीन्स ओनली 1 ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, वट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 1 + sin 2θ। तो सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 1 की जगह पर आप लिख देंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस साइन 2θ की जगह पर जाकर 2 sin θ, हाफ एंगल का फॉर्मूला 2 sin θ cos θ, फॉर्मूला बन गया a² + b² + 2ab। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, दैट मीन्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, जिसका स्क्वायर रूट बन जाएगा क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। दैट मीन्स बी विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही है क्वेश्चन में, यहाँ पे कॉट नहीं होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन पे, इफ़ कॉट ए इक्वल टू 2, कॉट बी इक्वल टू 3, देन वट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉट ए प्लस बी। तो यहाँ पे गलत पूछा गया, ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी थी आपको, कॉट ए प्लस बी की वैल्यू तो पाई में आएगी नहीं, तो यहाँ पे गलत छपा है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो रखी है, तो उसको आप काट दीजिएगा, बुक में ही गलत छपा है आपका ये। तो कॉट ए की वैल्यू 2 है, कॉट बी की वैल्यू 3 है, तो कॉट ए प्लस बी फॉर्मूला लगा दो, कॉट ए प्लस बी क्या होता है, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी इक्वल टू कॉट बी कॉट ए -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, ये फॉर्मूला लगा दिया हमने, कॉट बी कॉट ए, कॉट बी की वैल्यू 3 है, कॉट ए की वैल्यू 2 है, 3 × 2 = 6, -1 अपॉन कॉट बी आपका कितना है 3, कॉट ए आपका 2, 5/5 आ गया, दैट मीन्स 1 आ गया, तो कॉट ए प्लस बी आपका 1 आ गया, तो कॉट ए प्लस बी 1 आ गया, दैट मीन्स ए प्लस बी की वैल्यू कितनी, कॉट की कौन से डिग्री का जो वैल्यू होता है 1 होता है, तो कॉट 45° इज 1, दैट मीन्स ए प्लस बी इक्वल टू 45°, दैट मीन्स π/4, ठीक है, तो ए प्लस बी π/4, तभी आपका आंसर आएगा डी। ओके, इसके बाद 91 वाला जो क्वेश्चन है, वट इज़ 66 sin² 66½° −sin² 23½°, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के, आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों को जोड़ के 90° आ रहा है, दैट मीन्स आप सीधे लगा दो यहाँ पे, साइन स्क्वायर 66° की जगह पे 66½ की जगह पे हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर क्या है, कॉस स्क्वायर 23½°, ओके, −sin² 23½° पहले से था, यहाँ से फिर फॉर्मूला बन गया कॉस स्क्वायर थीटा −sin² θ, दैट इज इक्वल टू cos 2θ, तो 2 × θ आपका है 23.5, दैट मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना बन गया, कॉस 23 × 2 = 46, 47 आ जाएगा आपका ये cos 47°, दैट मीन्स बी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, वट इज़ ये आपका cos x − cos 3x, cos 7x − cos 3x है, sin 7x − 2 sin 5x + sin 3x, इसके ऑप्शन नहीं थे तो ऑप्शन लिख देते हैं 10x, और ये आपका बी ऑप्शन है cot x, सी ऑप्शन था आपका tan 2x, और डी ऑप्शन था cot 2x, ये आपके ऑप्शंस हो गए। बट इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट अप करके भी बना सकते हैं, लेकिन वैल्यू पुट अप करके थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि 7x ये सारी बड़ी वैल्यूज दे रखी हैं, अगर x की वैल्यू 0 रख सकते तो बेटर था आपको, बट 0 रख के दो आंसर आपके कोलाइड हो रहे हैं, क्योंकि 0 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 0 रख के क्या हो रहा है, ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे है, ऑप्शन ए पे 10 0 आपका 0 ही बन रहा है, और 10 2x 10 0, ये भी आपका दो आंसर आपके कोलाइड कर जा रहे हैं, तो 0 रख के आपका फ़ायदा होगा नहीं, अब और एंगल्स रखते हैं तो बड़े एंगल्स आ जाएंगे, तो उनको फिर सॉल्व करने में इतना ही वैसे ही टाइम लगेगा, तो यहीं से कॉमन सेंस लगा रहे हैं हम कि इसको वैल्यू पुट अप करने से अच्छा है कि इसमें फॉर्मूला ही पुट अप कीजिए, ठीक है। वैल्यू हमने खाली रैंडमली दिमाग घुमा लिया अपना एक बार, फिर उसके बाद देखा कि ये फ़ायदेमंद नहीं है यहाँ पे, तो हम सीधे फॉर्मूले में उतर आएंगे। तो cos c − cos d क्या होता है आपका, −2 sin a + b / c + d / 2, 10x / 2 5x हो गया, sin c − d / 2 7x − 3x 4x 4x / 2 2x हो गया। अब यहाँ नीचे जो डिनोमेटर है इसमें पहला और लास्ट वाले का पेयर बना दीजिए, sin c + sin d, तो क्या आ जाएगा 2 sin c + d / 2, तो 10/2 5x हो गया, और ये आ गया cos 7x − 3x 4x / 2 2x हो गया, −2 sin 5x, ठीक है। तो यहाँ से आप एक काम कीजिए, sin 5x कैंसिल, 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेने की आदि, क्या बचा फिर आपके पास, −sin 2x, और नीचे में क्या बचा आपके पास, cos 2x −1, तो इसको हम
माइनस कॉमन लीजिए ज़्यादा बेटर रहेगा, तो माइनस साइन 2x फॉर्मूला बन जाएगा, माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस 1 माइनस कॉस 2x, ये बन गया, ठीक है। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए साइन 2x को लिख दीजिए आप 2 साइन एक्स कॉस एक्स, हाफ एंगल का फॉर्मूला, और नीचे में 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन से इसका स्क्वायर कट गया, कॉस अपॉन साइन कितना आ गया कॉट एक्स, तो ये आपका सीधे आंसर आ गया कॉट एक्स। दैट मीन्स बी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93, इफ इन अ ट्राइंगल ए बी सी इफ साइन ए माइनस कॉस बी इक्वल टू कॉस सी देन वट इज बी इक्वल टू। तो यहाँ पे एक काम कीजिए आप, साइन ए, तो हमें ट्राइंगल ए बी सी है, दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी वगैरह, क्योंकि ट्राइंगल गिवन है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं लोचा है, दैट मीन्स ये चीज़ आपकी कहीं ना कहीं काम आएगी। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, ना ही राइट एंगल है, ऐसा भी कुछ नहीं है, तो तीनों एंगल का सम तो 180 डिग्री होता है ट्राइंगल अगर है तो ये चीज़ जब भी दी होती है तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो साइन ए को हम लिखते हैं, कॉस बी को उस तरफ भेजिए, कॉस बी प्लस कॉस सी बन गया, तो कॉस बी प्लस कॉस सी क्या होता है आपका 2 कॉस बी प्लस सी अपॉन 2 और कॉस बी माइनस सी अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बचा आपका क्या, साइन ए, तो इसको भी लिख दो, तो 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 लिख दीजिए इसको, और यहाँ पर आ जाएगा आपका बी प्लस सी की जगह पे क्या लिखते हैं हम, तो बी प्लस सी बनेगा आपका 180 माइनस ए, बी प्लस सी बन जाएगा आपका, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, बी प्लस सी आ जाएगा 180 माइनस ए, तो बी प्लस सी अपॉन 2 क्या बन जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करूँगा तो 90 माइनस ए बाई 2 आ जाएगा। दैट मीन्स कॉस 90 माइनस ए बाई 2 क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा साइन सी साइन थीटा, ओके। यहाँ बचा आपका कॉस बी माइनस सी अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन ए बाई 2 से साइन ए बाई 2 कैंसिल, तो व्हाट यू आर लेफ्ट विथ, कॉस ए बाई 2 इक्वल टू कॉस बी माइनस सी बाई 2, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कॉस कॉस आपके हटा दो, ए अपॉन 2 इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ओके। तो यहाँ से आपके पास आया क्या, ए प्लस सी इक्वल टू बी, ए प्लस सी जो है बी के बराबर है, तो अब इक्वेशन क्या था हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री था, और ये जो पहला इक्वेशन बना हमारा ए प्लस सी इक्वल टू बी है, तो ए प्लस सी को हटा के इसे जब बी रख देंगे तो बी प्लस बी 2b बन गया, 2b इक्वल टू 180 डिग्री, तो बी कितना आ गया यहाँ से 90 डिग्री। होप दिस इज क्लियर, तो सी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन, यहाँ सीधे सीधे कंपोनेंट और डिविनर लगेगा आपका, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, सी एंड डी की प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी, अपॉन के फॉर्म में दोनों फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमेटर दोनों तरफ करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, तो साइन सी प्लस साइन डी क्या हो जाता है आपका, टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू, तो सी प्लस डी करूँगा तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, तो वाई से वाई कैंसिल हो गया, टू एक्स आ गया, टू एक्स अपॉन टू क्या हो गया एक्स, तो आपका आ गया न्यूमरेटर प्लस डिनोमेटर का रखा हमने, और टू साइन एक्स टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू, तो सी आपका एक्स प्लस वाई है, डी आपका एक्स माइनस वाई, दोनों को हटाएंगे तो टू वाई आ जाएगा, अपॉन टू करेंगे तो वाई आ गया, और नीचे में घटाना है दोनों को, तो साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, तो क्या आ जाएगा, टू कॉस आएगा पहले यहाँ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, टू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू, तो एक्स ही बनेगा, और सॉरी सी सी प्लस डी अपॉन टू, तो एक्स ही बनेगा, और आपका साइन सी माइनस डी अपॉन टू वाई बन जाएगा, जो ऊपर बना था वही बनेगा, और यहाँ पे भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमेटर करेंगे तो बी से बी कटेगा यहाँ पे, तो टू ही आ जाएगा, और न्यूमरेटर माइनस डिनोमेटर करूँगा तो बी प्लस बी टू बी हो जाएगा, यहाँ टू से टू कैंसिल, टू से टू यहाँ भी कैंसिल, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स आ गया, ओके। और इस कॉस वाई को नीचे भेज दो साइन वाई के, तो ये बन जाएगा नीचे जाके साइन वाई अपॉन कॉस वाई टेन वाई बन जाएगा इक्वल टू ए अपॉन बी, तो ये इसका रिजल्ट हो चुका है, सो बी विल बी करेक्ट आंसर, ओके। और ये तो आपका
फॉर्मूला हमने लिखाया था क्वेश्चन नंबर 95, ये हमने जब ट्रिक पढ़ी थी, ये ऑल इम्पोर्टेंट ट्रिक्स इन ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस किया था पूरा, तो वहाँ मैंने अच्छी तरीके समझा रखा है। और उससे पहले भी एक आध जगह मैं ये प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुका हूँ, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, 1/4 साइन 3 थीटा के बराबर। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है, साइन ए साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए, तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा आपका, 1/4 साइन 3 थीटा, और ये किसके बराबर गिवन है, के साइन 3 ए के बराबर है। ओके, तो यहाँ साइन 3 ए से साइन 3 ए को आप कैंसिल कर दीजिए, व्हाट यू आर लेफ्ट विथ, के इक्वल टू 1/4, तो के की वैल्यू डायरेक्टली आ जा रही है, सो ए विल बी करेक्ट आंसर। ओके, इसके बाद 96 वाला देखिए लास्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 10 2 थीटा इंटू 10 थीटा इक्वल टू 1। तो इसको तो आप वैल्यू पुट अप करके ही निकाल सकते हैं। चलो पहली वैल्यू यहाँ पर पुट अप कीजिए, 10 2 थीटा, अगर मैं थीटा की जगह पर पाई बाई 12 रखूँगा तो 10 2 थीटा कितना बनेगा, 10 2 थीटा पाई बाई 12 का मतलब कितना हो गया, 15 डिग्री, 180 माइन अपॉन 12, तो 12 15 जा जाता आपका, ये 12 बन जाए 12 5 जाए 60, तो पाई बाई 12 मतलब 15 डिग्री, तो 15 2 जाए कितना हो गया आपका, ये 30 डिग्री, 10 30 डिग्री इंटू 10 थीटा, 10 15 डिग्री। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके क्या आपका इक्वल टू 1 आ रहा है, क्योंकि आपका इक्वल टू 1 आना चाहिए, इक्वेशन तो यहाँ पे इक्वल टू 1 दे रहा है, तो ये तो आएगा नहीं इक्वल टू 1, क्योंकि ये दोनों आपके 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, और इसकी वैल्यू जो है आपकी 10 15 की 2 माइनस √3 होगी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कभी भी 1 आएगा नहीं। तो दूसरे वाले में चलिए, ये आपका 30 डिग्री है, तो अब देखिए इसमें 10 2 थीटा मतलब 10 60 हो जाएगा, 10 60 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री, तो ये आपका सीधे सीधे दे रहा है 1, क्योंकि 10 60 आपका √3 हो गया एंड 10 30 आपका 1/√3 हो गया, कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स यू विल गेट 1। ओके, तो बी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 97, 98, 99 एंड 100, अब देखिए इनको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, और आपने कैसे इसको प्रेजेंस ऑफ माइंड से सॉल्व करना है। जैसे 16 sin 2 power 5x इक्वल टू p sin 5x प्लस q sin 3x प्लस r sin x, तो एक्स की जगह पर मैं 0 रखूँगा तो ये इक्वेशन तो बेकाम का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और यहाँ पे सब साइन 0 बन जाएंगे जितने जगह साइन है, तो दैट मीन्स 0 = 0 कोई फ़ायदा है नहीं। तो एक्स की जगह अगर मैं 90 रखता हूँ तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा 16, क्योंकि साइन 90 तो 1 हो गया, 1 की पावर 5 करेंगे 1 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे बचा आपका पी साइन फाइव पाई बाई टू, ये हो गया, और यहाँ बचा आपका q sin 3π/2, उसके बाद आया आपका प्लस r sin π/2। साइन 5π/2 को हम लिख क्या सकते हैं, 2π + π/2, 5π/2 को तोड़ के हम लिख सकते हैं 2π + π/2, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट जो कि साइन पॉजिटिव होता है, साइन पाई बाई टू हो गया आपका ये पी टाइम्स, और इसके बाद साइन 3π/2 को हम लिख सकते हैं क्या, 2π - π/2, 2π - π/2, क्योंकि 3π की जगह पर आ जाएगा आपका 4π - π, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2π - π/2 आ जाएगा, दैट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका साइन नेगेटिव होता है, दैट मीन्स यहाँ माइनस लिख देते हैं, ठीक है, -q sin π/2 आ गया, ठीक है। उसके बाद r sin π/2 की वैल्यू तो आपको मालूम ही है, sin π/2 हो गया आपका 1, तो इधर r बच गया, ले देखिए आपके पास क्या बचा है, 16 = p - q + r, ये इक्वेशन बना। अब इसी इक्वेशन से आपने दिमाग लगाना है, एक ही इक्वेशन से आप तीनों के यहाँ p की वैल्यू भी निकालनी है, q की भी निकालनी है, r की भी निकालनी है, ठीक है। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, 16 + q इक्वल टू p प्लस r लिख देता हूँ, इसी इक्वेशन को q को इस तरफ ला गया। अब देखिए q की वैल्यू जो है, q के जो आंसर्स हैं वो इधर हैं, 98 वाले में q की वैल्यू यहाँ गिवन है, q की वैल्यू या तो 3 है या 5 है या 10 है या -5 है। सपोज़ कीजिए मैं पहले वाले को 3 को मानता हूँ, q की वैल्यू 3 मानता हूँ, सपोज़ कीजिए जो ए ऑप्शन है, अगर मैं q की वैल्यू को 3 मानूंगा
तो 16 प्लस 3 कितना आ गया 19, दैट मींस p प्लस r को जोड़ के भी 19 आना चाहिए। अब देखिए p की वैल्यू जो है 97 वाले क्वेश्चन में p की वैल्यू गिवन है और 99 वाले क्वेश्चन में r की वैल्यू गिवन है। अब कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है जिनको जोड़ के 19 आ रहा है। अब देखिए 97 वाले का a लीजिए 1, 1 के साथ 99 वाले का क्या लें कि 19 आएगा, आ ही नहीं सकता है। 2 के साथ 99 वाले का कोई भी नंबर ले लो आप, 5, 8, 10, -10, इनको जोड़ के कभी 19 आएगा नहीं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। वैसे ही अगर 1 वैसे ही आपका 5 लेता हूँ, ठीक है, क्यू की जगह 5 लेता हूँ तो ये तो और बड़ा नंबर आ जाएगा, तो ये तो और भी पॉसिबल नहीं होगा। और 10 लेता हूँ तो 10 तो और बड़ा नंबर आ जाएगा जो कि और पॉसिबल नहीं होगा। जब 19 ही नहीं आ रहा इन दोनों को, मतलब 97 वाले में जो वैल्यूज़ गिवन है ए बी और ए बी सी और डी, और 99 वाले में जो आर की वैल्यूज़ गिवन है ए बी सी और डी, इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं बन रहा जिनको जोड़ के आपका 19 आ रहा था, ठीक है। दैट मीन्स 19 से बड़ा आने का तो सवाल ही नहीं हुआ। ओके, तो पहले के 3 तो वैसे रिटायर हो गए, बचा आपके पास -5। तो -5 देखिए आप, 16 प्लस क्यू की जगह पे मैं लिखता हूँ -5, दैट मीन्स आ गया 11। तो 11 इक्वल टू पी प्लस आर लिख दिया मैंने। अब पी प्लस आर को जोड़ के 11 आना चाहिए। अब देखिए आप कॉम्बिनेशन कौन सा बैठाना है, पहले वाले में देखिए आप, पहले वाले का अगर मैं 1 लेता हूँ तो मीन्स 97 का अगर मैं 1 लेता हूँ पहला ऑप्शन, तो 99 वाले में मुझे 10 लेना पड़ेगा 11 बनाने के लिए। दैट मीन्स पी की वैल्यू 1 हो गई और आर की वैल्यू 10 हो गई, और कोई 11 तो बनेगा नहीं। आप चेक कर लीजिए, दूसरे वाले को ले लीजिए, आप बी वाले को ले लीजिए। देखिए बी वाले में 2 है, 2 के साथ यहाँ पर कोई भी नंबर ऐसा नहीं जिसको जोड़ के 11 आए। 99 में ना 5 है, 5 को जोड़ के 2 के साथ 11 नहीं आएगा, 2 के साथ 8 को जोड़ के भी 11 नहीं आएगा, 2 के साथ -10 को जोड़ के भी 11 नहीं आएगा, ना ही सी वाले में कुछ हो रहा है। सी वाले के साथ ले लीजिए आप 97 का जो सी है उसके साथ 99 के चारों ऑप्शन को जोड़ के देखिए, -1 + 5 4 आ रहा है, -1 + 8 7 आ रहा है, -1 + 10 -9 आ रहा है, ना कि 11 आ रहा है, और वही -1 - 10 - 11 आ रहा है। नहीं, -2 से अगर आप जोड़ के देखिए कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, मीन्स चारों के साथ ऐड करके देख दीजिए -2 को, तो ये आएगा नहीं। तो दैट मीन्स हमने एक ही इक्वेशन से सीधे दिमाग लगाते हुए कॉमन सेंसेस को सॉल्व कर दिए। दैट मीन्स पहले वाले का आंसर हमारा आ चुका है। ओके, पहले वाले का आंसर क्या था, ए 97 वाले का पी की वैल्यू, और 98 में क्यू की वैल्यू हमने शुरू में जो इंटरप्रेट की थी 3, तो वो सही आ गया आपका, शुरू में ही सही आ गया ही। अगर ये नहीं आता तो फिर हम 5 लेते, फिर 10 लेते एंड सो ऑन आगे बढ़ते, तो हमारा पहले ही आ गया था। और 99 वाले में क्या बन गया आपका, सी। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपका रह गया है, द लाइन वाई इक्वल टू रूट 3 इंटरसेक्स वाई इक्वल टू 10x, तो वाई इक्वल टू 10x ये आपका इक्वेशन है, और लाइन का इक्वेशन है वाई इक्वल टू रूट 3, तो दोनों को सॉल्व कर लीजिए आप दोनों फंक्शन को। तो y की जगह पे लिख देते हैं रूट 3, क्योंकि y इक्वल टू रूट 3 तो ऑलरेडी की मैंने, तो इसको आप 10 की कौन सी वैल्यू आपकी आती बताइए आप, 10x इक्वल टू 10 ऑफ कितना डिग्री, रूट 3 होता है 60 डिग्री, तो पाई बाई 3। अब यहाँ पे जो कंडीशन गिवन है x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2 है, मीन्स x की जो वैल्यू है 0 और पाई बाई 2 के बीच में आपने लेनी है, ठीक है। और ये इंटरसेक्ट कर रहा है कितने पॉइंट्स में, x पॉइंट्स में, k पॉइंट्स में, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k, तो कितने जगह पर आप इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एक ही जगह, क्योंकि x की जो वैल्यू आएगी एक ही आएगी पाई बाई 3, पाई बाई 3 की बात, तो अगली जो वैल्यू आएगी वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो गया, x की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10x इक्वल टू 10 पाई बाई 3 वाली जो कंडीशन, 10x इक्वल टू 10y वाली जो कंडीशन बन रही है, तो x की जो वैल्यू बन रही है वो एक ही आ रही है, दैट इज़ पाई बाई 3। ओके, तो जो कि आपका 0 से पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी एक ही बनेगा, तो k पॉइंट्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 पॉइंट्स, ठीक है। तो ए विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इसके जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हैं एक और आपका बनेगा वीडियो जिसमें हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन सारा डिस्कस कर लेंगे। सो बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, और पुरानी जो वीडियोज़ हैं उनको अच्छे से देखिए, और अच्छे से अपने दिमाग को थोड़ा सा नर्चर कीजिए, आप फ्रेम कीजिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में लाइए, और मेहनत तो करनी पड़ेगी टू क्रैक एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो थैंक यू फॉर टुडे।